अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम बनाने वाले हैं एंटी एजिंग मास्क के जो 30+ हैं, जिनकी फाइन लाइंस, रिंकल्स और लाफ लाइन वगैरह आनी स्टार्ट हो जाती है स्किन के ऊपर जो है वो फाइन लाइंस, फ्रॉन लाइंस, तो ये मास्क जो है ये इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा अगर आप इसको प्रॉपर रेगुलरली जो है वो यूज़ करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैंने सोचा कि ये मास्क मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जो अंडर 30 हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर जिनकी स्किन थोड़ी ड्राई है या जिनको फील होता है कि थोड़ी स्किन पे जो है वो एजिंग आना स्टार्ट हो गया, तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक बाउल और मास्क को बनाना तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलें जी मास्क को देख। यहाँ पे हम लेंगे एक बाउल। ठीक है, ये बाउल लिया और मैं इसके साथ लूँगी ग्रीन टी, कोई सी भी ग्रीन टी जो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो आपके पास अवेलेबल है वो आप ग्रीन टी ले लें। ग्रीन टी को मैं खोलूँगी और इसके अंदर बाउल में डाल दूँगी। ग्रीन टी आप अपने जो है इसके टी बैग्स अपने डार्क सर्कल्स के लिए भी यूज़ करते हैं, ये डार्क सर्कल्स को भी ख़त्म करेगा। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून, ये देखें ग्रीन टी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल चला गया। अब इसमें जाएगा अबाउट 1 टीस्पून, इसमें मैं डालूँगी बादाम का पाउडर। ठीक है, ये चला गया। 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर दूँगी योगर्ट, दही। ठीक है, ये देखें ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। अब इसमें मैंने लिया है क्यूकम्बर, क्यूकम्बर का थोड़ा सा मैंने पल्प निकाल लिया, ये देखें इस तरह से। जो मैंने आपको टोनर बनाना सिखाया था आप वो टोनर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसमें ये पल्प ऐड किया है 1/2 टीस्पून। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। ये देखें ये मास्क बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूँगी 20 to 25 मिनट्स के लिए। ये बिल्कुल ड्राई नहीं होगा, थोड़ा सा गीला रहेगा। तो इसको मैं अप्लाई करती हूँ और दोबारा वापस आती हूँ। यहाँ पे मैंने फेस पे अच्छी तरह इस मास्क को अप्लाई कर लिया, ये देखें। ठीक है, आपने इसी तरह पूरे फेस पे मास्क को अप्लाई कर लेना है और 20 to 25 मिनट्स के लिए छोड़ देना। ये बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। इसको हम लगा के उसके बाद थोड़ा वेट करेंगे। आप चाहें तो आप घर पे हैं तो कोई काम वगैरह कर लें, तो उसके बाद जो है आप इसको वॉश करके अच्छी तरह ठंडे पानी के साथ, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आप कोई सा भी ऑयल ले लें जो आपके पास अवेलेबल है। लाइक आपके पास कोकोनट ऑयल है, आमंड ऑयल है, जो भी आप अपने स्किन पे अप्लाई कर लें, या कोई मॉइस्चराइज़र है तो आप वो अप्लाई कर लें। ठीक है, ये अप्लाई आपने करना है। लाइक अगर आपकी ज़्यादा एजिंग है, मतलब 40+ हैं या 50+ हैं, तो आप 2 टाइम्स वीक में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, तो इसीलिए मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। अपनी स्किन पर भी अप्लाई किया है, तो ये देखें इस तरह से ना इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत मज़े की है। तो मैं अब इसको 20 to 25 मिनट्स के बाद इसको वॉश करती हूँ और दोबारा वापस आती हूँ। चलें जी, मेरा मास्क का टाइम पूरा हो चुका था। यहाँ भी मैंने ये देखें फेस को अच्छी तरह टॉवल के साथ सॉफ्ट हैंड से क्लीन कर लिया, और इस टाइम मेरी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो चुकी है। तो ये जो है आप अपनी एजिंग वाली स्किन पे यूज़ करें, अपनी मदर्स को, जो मेरी सिस्टर्स 30+ हैं आप उनको यूज़ करवाएं, तो ये बहुत बेस्ट है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अपने रिव्यूज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा, आप इसको यूज़ करें और मुझे इसका रिव्यू मस्त दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।